दाल और सब्ज़ी की रेसिपी तो मैं आप लोगों के लिए रोज़ ही ला कर देती हूँ, बट आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ एक इतनी हेल्दी रोटी जो आपको शुगर से प्रोटेक्ट रखेगी, कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल रखेगी, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनको कंट्रोल रखेगी। जो रोटी है ना सच में वरदान है, अगर आप ये रोटी कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से राहत मिलेगी। हे गाइज़ वेलकम टू माय चैनल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये देखिए, यह है काला गेहूँ जिसके अंदर हमारा जो वाइट गेहूँ वो भी मिक्स है। एक्चुअली मुझसे तो गलती से मिक्स हो गया, बट आप ये मिस्टेक मत करना। तो ये लुक लाइक तो कुछ ऐसे होता है ना, जैसे कुट्टू काटा होता है ना, कुछ इस तरीके का होता है ये। और यहाँ पर ये हमारा पिसने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये देखिए, दिखने में आपको ये नॉर्मल आटे जैसा लगेगा, बस इसका रंग थोड़ा काला होगा, अदरवाइज ये बिल्कुल सेम लगता है। और सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। जो सबसे फर्स्ट कटोरी में है वो है काला प्योर गेहूँ, जो दूसरी में है वो दोनों में मिक्स है, वाइट और ब्लैक दोनों। और ये पिस के लास्ट में आपको दिख रही है। हमें क्या करना है, इस आटे को सिंपली गूँथ लेना है। इस आटे को गूँथने के लिए भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उस वाले आटे से थोड़ा अलग होता है, तो ये जो पानी है थोड़ा सा कम ऑब्जर्व करता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही आप इसको गूँथें, वरना ये आप बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा। और अगर आप प्लेन इसको कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा थोड़ा संभल के करना, इसलिए मिक्स करके हमने रखा ताकि कोई इशू ना हो। सीरियसली इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। स्पेशली अगर आपके घर में किसी को भी कुछ ऐसी बीमारी है, जैसे हार्ट से प्रॉब्लम, शुगर या फिर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो आप उनको ये ज़रूर खिलाइएगा, बिकॉज़ उनको गेहूं की रोटी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो आपको पता ही होगा कि गेहूं किसी भी हालत में सही नहीं होता है हम लोगों के लिए, बट हाँ हम कंज्यूम करते ही हैं। लेकिन अगर आप फिट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप काला गेहूं की रोटी खाओ, जो कि बहुत अच्छी होती है, बहुत हेल्दी होती है। आप देख रहे हैं जैसे ऐसे में पानी ऐड हो रहा है ना, इसका रंग जो काला होता जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि जो पाउडर है ना उसको हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, बट यहाँ पर जैसे ही देखो पानी गया तो कुछ इस तरीके से हमारा जो आटा गूंथ के तैयार हुआ था। देखिए कितना काला सा लग रहा है इस वक्त, और उसकी रोटियाँ कैसी आती हैं वो आगे हम देखते हैं। तो हमने अच्छा सा इसका एक डो बना लिया बिल्कुल अच्छे से गूँथ के। हमें मेक श्योर करना है कि अच्छे से गूँथना है उसको, है ना, थोड़ा 10-15 मिनट आप उसको अच्छे से गूँथने में लगाइए। ऐसे नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा बनाया और बना दी, नहीं, अच्छे से गूँथने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो अब हल्का सा पानी की हेल्प लग कर करके आप इसको अच्छे से गूँथ के रेडी कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है, और अब हम बनाने स्टार्ट करते हैं रोटियाँ। तो हमने एक लो इसका पेड़ा ले लिया आटे का, हल्का सा हम इस पर आटा लगाएंगे, या तेल आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप घी लगाएं, तेल लगाएं या फिर आटा लगाएं, दोनों ही चीज़ में कोई इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी लगाया है और यहाँ पे हम इसको बेल लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा वैसा टेस्ट चाहिए, एकदम पलाव जैसे होता है ना फुल्का, उस टाइप का नहीं चाहिए, हमें रोटी वाला शेप चाहिए। तो हल्का सा तेल या घी लगा के आप बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती है। और बनाने में कोई इशू नहीं है कि फट जाएंगी, ये वो बिल्कुल इशू नहीं होता है, बहुत नॉर्मली बन जाती है रोटी। देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमारी रोटी जो है वो बन के रेडी हो गई है। गाइस जल्दी से वीडियो शेयर कर दो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, मम्मा, मासी, सबको, बिकॉज बहुत यूज़फुल वीडियो है जो कि उनको अनेकों बीमारियों से बचा के रखेगी। आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड या फिर शुगर से रिलेटेड, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं मिलती हूँ कल आपसे एक ऐसे ही यूज़फुल और अमेजिंग वीडियो के साथ। तो उसके लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और देखिए देखते ही देखते हमारी जो रोटियां हैं वो बन के रेडी हो गई है। कमेंट में ज़रूर बताना आप कहाँ से बोल रहे हो, ताकि मुझे पता चले कि मेरी ऑडियंस कहाँ से है और मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ। तो चलिए मैं तो चलती हूँ अपनी रोटी इन्जॉय करने, एकदम हेल्दी हेल्दी मील। तो आप क्यों वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ और काला गेहूँ या आटा खरीद के लाइए, और अपनी फैमिली में जिसको भी इशू है प्लीज़ उनको ज़रूर खिलाइए। बाय।